क्या हाल है इमरान? गुड टू सी यू. तुम्हें टीवी पे बहुत देखती रहती हूँ. आज वैसे मिलने का पहली दफा इत्तेफाक हुआ, लेकिन जितनी तारीफ सुनी थी और जैसा सोचा था तकरीबन वैसा ही पाया. आस्क पीपल टू वोट फॉर देयर मोस्ट फेवरेट एक्टर एंड आई बिलीव यू वन दैट. दैट इज नॉट द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स पोल. इट इज बेसिकली फॉर द मोस्ट फॉर द हॉटेस्ट सेलिब्रिटी अमंगस्ट लाइक I don't want to name the rest of the people, but 10 Pakistan ke top most celebrities ke usme naam the. To usme cricketers bhi the, singers bhi the, aur sab kuch. To hottest celebrity ka jo jo title tha, wo takriban usme koi 5-6 lakh ke kareeb votes pade, aur usme I got almost 4 lakhs or something. अभी तुमने कहा कि तुम अपने साथ वालों के नाम नहीं लोगे. उसकी वजह ये थी कि तुम उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे हारने की वजह से, या उसकी वजह ये थी कि उनका नाम लेकर तुम उनको ज्यादा इज्जत नहीं देना चाहते थे? हाँ, दूसरी बात ज्यादा सही है. कि अभी मेरी नज़र में पाकिस्तानी ड्रामे का जो स्टैंडर्ड है शायद अपने बदतरीन दौर से हमारा ड्रामा गुजर रहा है. बिल्कुल. द स्क्रिप्ट्स आर इनसिपिड. आई मीन देयर इज नो कंटेंट. देयर इज यू नो इट्स बहुत शैलो और बहुत ही सतही किस्म का काम लगता है. यू आर अ पार्ट ऑफ दोज ड्रामास. कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा ड्रामा जिसको करने के बाद ऐसा महसूस हुआ हो कि नहीं कुछ बेहतर काम किया है? सेटेलाइट्स के सेटेलाइट चैनल के इन्वेजन की वजह से बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हमने टेक्निकली सीखी, लेकिन बहुत बुरी चीज़ें भी सीखी. और हमारी जो जो ड्रामा था हमने उसको खो दिया, जो कि हमारा मेरा ख्याल है फोर्टे. किस किस्म के दोस्त बनाते हो? किस किस्म के लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं बनाता ज़्यादा, या शायद दोस्त बन जाते हैं तो मुझे निभाना नहीं आता. मेरे वही दोस्त थे जो बचपन में बन गए थे, जो मेरे स्कूल एज के ज़माने के दोस्त हैं, बस वही हैं. इमरान, तुम्हारा थोड़ा सा मैंने तुम्हें बुलाने से पहले अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि तुम्हारा शजरा नसब निकाल ले. आपने खुद ये काम क्यों नहीं किया? पढ़ लूँ उसको. मैंने ये जाना कि तुम एफ ओस में भी थे जी कुछ अर्सा, फिर तुम एन सी ए गए जी, तुमने आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की, आर्किटेक्चर किया, उसके बाद तुम ड्रामों में आ गए. हर काम कुछ हद तक एफ ओ से अधूरी छोड़ दी, आर्किटेक्चर अधूरी छोड़ी. आर्किटेक्चर अधूरा नहीं छोड़ा, आर्किटेक्चर में डिग्री ली, प्रैक्टिस भी किया, और अभी भी मेरे अंदर वो आर्किटेक्ट है. मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं मेरे कागज़ के ऊपर स्केचेस बन रहे होते हैं, और मैं इवन अपने सेट्स पे भी जाता हूँ तो मैं उसका इंटीरियर देख रहा होता हूँ कि हाँ ये कलर स्कीम नहीं होनी चाहिए थी, सब कुछ. और आर्किटेक्चर में दोबारा शुरू करूँगा भी. एयरफोर्स वॉज नॉट माई कप ऑफ टी. एयरफोर्स में मैं चला गया था, लेकिन एक्सपीरियंस करने के हिसाब से बहुत अच्छा था कि मैंने देखा कि ज़िंदगी ऐसी भी होती है, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फोर्सेस की. लेकिन शायद मेरे लिए सही नहीं थी, क्योंकि मेरा जो टेम्परमेंट था या मेरा जो मिजाज है वो मैं पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ, तो वो और तरह के लोगों के लिए है जो ज़्यादा ढल जाते हैं किसी मोल्ड के अंदर, जो कि मैं नहीं हो सकता. हाय, उस वक्त मुझसे मशवरा कर लिया होता मेरी जान तो मैं तुम्हें कहती बिल्कुल ना छोड़ो एयरफोर्स. आई इमेजिन हिम फ्लाइंग इन F-16. मैं तो पीछे बड़े मजे से बैठती, हाथ हिलाती भी जाती पूरे पाकिस्तान को. नहीं, मैंने फ्लाइंग की, मैंने फ्लाइंग की 14 घंटे मैंने जहाज उड़ाया. 14 घंटे इकट्ठे एक साथ उड़ा लिया, एक एक घंटा करके. अच्छा, और एक घंटा भी मुझे नहीं साथ बिठाया. देखो, खैर जानता भी तो नहीं था ना मुझको तब. उस वक्त तो आप हाँ बिल्कुल अपनी ऐन शबाब में होंगी वाकई. तुम्हारे कहने का क्या मतलब, अब नहीं हूँ क्या? अच्छा बताओ, लड़कियाँ कैसी पसंद है, कच्ची उम्र की या मेरी जैसी? नहीं, पक्की उम्र की. हाँ, पक्की उम्र की. पक्की उम्र की वुमेन हु आर मैच्योर और जो बहुत स्टेबल हों, जो एक इमोशनली या फाइनेंशियली मेरी जान मेंटली ओके. जिंदगी में सब कुछ उसी वक्त अच्छा लगता है जब स्टेबिलिटी आपके अंदर एक ठहराव आता है. मैं स्टैग्नेट करने को नहीं कह रहा हूँ जिंदगी में, आगे बढ़ते रहना चाहिए. लेकिन हाँ, जो एक मिजाज में एक शख्सियत में जो ठहराव आता है, जो आफ्टर 25, 30, maybe 35 or more. किस किस्म के गाने तुम्हें पसंद हैं? ईस्टर्न क्लासिकल, सब कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा कल्चर, हमारे जो गाने, हमारा म्यूजिक जो है वो मुझे हमेशा पसंद है. चलो, अब हमें ज़्यादातर साउनी. आई वॉन्ट यू टू सिंग अ ब्यूटिफुल गज़ल और अ नज़म और अ सॉन्ग, विच एवर वट एवर इज़ क्लोज टू योर हार्ट, और जो मुझे देख कर दिल में आता हो वो गा डालो आज. राह चलते गुमा होता है, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया.
सदियों का सफर जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे जान बाकी जो मेरे देखने वालों से कहना चाहो। आपकी यही बात अच्छी है कि आप सच बोलती हैं और काश इसी तरह बस हम लोग अपनी जिंदगी में इसी तरह सच बोलना शुरू कर दें जिस तरह आप बोलती हैं किसी के डर के बगैर, और आप जैसी हैं वैसी आप दिखाई देती हैं, तो ये बड़ी बात है। हम सबको बस ये चीज़ अगर आ जाए तो सब कुछ है।